नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए मैंगो केक की रेसिपी लेकर आई हूं और इसे हमने सूजी से बनाया है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसके साथ ही मैंने थोड़े से चोको चिप्स मिक्स किए हैं तो बच्चों को और भी ज़्यादा ये पसंद आएगा। तो चलिए अब हम मैंगो केक की रेसिपी देख लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंगो केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो आम लेना है वो अच्छे तरीके से पका हुआ हो, उसमें बहुत सारा गूदा हो और उसमें मैंगो का फ्लेवर अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो कोई से भी आम का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं यहाँ आधा कप सूजी का यूज़ कर रही हूँ और इसमें हम थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच मैदा भी मिलाएँगे। आप चाहे तो केवल सूजी से भी इसे बना सकते हैं। तो इसी नाप से मैं 2 से 3 चम्मच के लगभग मैं इसमें मैदा डाल रही हूँ। मैदा डालने से केक में बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी। तो ये देखिए, मैंने 3 चम्मच इसमें मैदा लिया है। अब मैं इसे सूजी के साथ मिक्स कर लूँगी और इसे अच्छी तरीके से हमें मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है, ताकि मैंने ये बारीक वाली सूजी यूज़ की है लेकिन ये और अच्छी तरीके से पाउडर बन जाए, उस तरीके से हमें इसे चलाना है। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल ले रही हूँ और इसे अच्छी तरीके से अब हम इसका केक का बैटर तैयार करेंगे। तो हमने मैदा और सूजी के मिक्सचर को बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं यहाँ पर 1/4 कप के लगभग इसमें डाल रही हूँ तेल। आप चाहे तो यहाँ घी और बटर कुछ भी डाल सकते हैं, बटर से लेकिन केक का टेस्ट सबसे ज़्यादा अच्छा आएगा। अब इसके साथ ही हमने जो मैंगो लिया था उसे मैंने अच्छी तरीके से कट कर लिया है और उसका जितना भी पल्प है उसे मैंने कटोरी में निकाल लिया। तो ये 1 कटोरी मैंगो है। हम इसे अच्छी तरीके से पहले पीस लेंगे और इसमें आप जितना आम मीठा हो उसके अकॉर्डिंग हमें शुगर मिलानी है। आम कम मीठा है तो ज़्यादा शुगर मिलाएं और ज़्यादा मीठा है तो कम शुगर मिलाएं। तो मैंने 4 चम्मच शुगर मिला के इसे अच्छी तरीके से पीस लिया है और ये देखिए, जो पल्प है वो केक के बैटर में हमने मिला दिया है। अब इस सभी को हम अच्छी तरीके से मिक्स करना है, क्योंकि सूजी जो है वो पानी को सोखता है, इसलिए हमें इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रखना होगा। तो पहले हम इसके सारे जो भी लम्स हैं उसे पहले हटा देते हैं, अच्छी तरीके से थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, बस सारी गठान हट जाए, हमें इतना मिक्स करना है। तो देखिए, ये रेडी हो गया है। अभी हम इसमें मिल्क नहीं मिला रहे हैं, इसे रेस्ट करने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए हम इसी तरीके से ढककर छोड़ देंगे। तो चलिए, तब तक हम अब प्लेट तैयार कर लेते हैं जिसमें हमें केक को बनाना है। तो इसे अच्छी तरीके से ऑयल या बटर किसी भी चीज़ से आप चारों तरफ से ग्रीस कर लें, किनारों पर भी इस तरीके से लगा लें ताकि किनारे जो हैं वो अच्छी तरीके से ऑयल या बटर से ग्रीस हो जाएं और केक उसमें चिपके ना। इसके साथ ही मैं इसके ऊपर से फ्लावर डाल रही हूँ, चारों तरफ से इसे भी अच्छे से डस्ट कर लेंगे ऑयल के ऊपर। तो ये देखिए, अच्छी तरीके से ये चिपक जाएगा ऑयल के साथ और केक जो है वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। जो एक्स्ट्रा डस्ट है उसे रिमूव कर दें। अब हम अपना बैटर देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो गया और आप देख सकते हैं जितना सूजी ने मॉइस्चर था वो सारा एब्जॉर्ब कर लिया और कितना ज़्यादा गाढ़ा बैटर हो गया है। तो सबसे पहले अब हम इसमें 1 चम्मच के लगभग बेकिंग पाउडर मिला रहे हैं। चाहे तो आप मैंगो केक को फ्रेश दही से भी बना सकते हैं, लेकिन दही बनाएं तो बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा का हमें यूज़ करना है। उससे बहुत अच्छा केक जो है वो फ्लफी बनेगा, अच्छी तरीके से फूलेगा। अब देखिए, हमने दूध मिला लिया है इसमें। तो दूध में थोड़ा थोड़ा करके मिला रही हूँ ताकि बैटर जो है वो अच्छी तरीके से स्मूथ हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बहुत ज़्यादा हमें इसे फेंटना नहीं है, बस अच्छे से दूध को बैटर में मिक्स कर देना। और आप देख रहे हैं, आधा कप दूध में ये कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी इसकी आ गई है केक की। ये देखिए किस तरीके से, मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा रही हूँ। तो बस ये बैटर हमारा रेडी हो गया। तो अब मैं इसमें 1/4 कप के लगभग चोको चिप्स मिला रही हूँ और आधा चम्मच मैदे के साथ इसे पहले हम अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे। तो ऐसा करने से केक के तले में चोको चिप्स नहीं जमा होंगे और ये केक के बीच में ही स्थिर रहेंगे। तो इस तरीके से चोको चिप्स को अच्छी तरीके से कोट कर लें मैदे से। अब हम इसे अच्छे से बैटर में मिक्स कर लेते हैं एक बार। बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बस ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम इस बैटर को बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हम इसे जो पैन तैयार करके रखा था केक के लिए उसमें डालेंगे और आप देख सकते हैं एक बार फिर से इसकी कंसिस्टेंसी किस तरीके की है। तो केक का बैटर रेडी है। अब हम इसे पैन में डालकर अच्छी तरीके से एक बार टैप कर लेंगे। तो सारा बैटर हमने डाल लिया है, एक दो बार टैप कर लेते हैं ताकि अच्छे से ये बैठ जाए। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ हल्के हाथों से। अब हमने पहले से प्रीहीट करके रखी थी अपनी कढ़ाई और उसमें एक जाली को रख दिया है और इसमें इस तरीके से ये बर्तन को रखेंगे और अच्छे से कवर कर लेंगे। और कवर करने के बाद हम इसे 40 मिनट के लिए कम से कम ऐसे ही छोड़ देंगे। बीच में हमें कवर को बिल्कुल भी नहीं हटाना है, क्योंकि ढक्कन हटाने से जो केक है वो
फूलेगा नहीं, बीच में से ही उसकी फूलने की जो प्रोसेस है वो रुक जाएगी। तो केक को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से कुक होने के लिए छोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा है हमारा केक जो है वो अच्छी तरीके से फूलते जा रहा है। तो 40 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसका कवर हटाकर देख लेती हूँ ये केक जो है अच्छी तरीके से कुक हो गया है या नहीं। तो हम इसे एक नाइफ़ से इस तरीके से चेक कर लेंगे। अगर नाइफ़ बिल्कुल क्लीन निकली है आप देख सकते हैं, मतलब हमारा केक अच्छी तरीके से हो गया है। तो अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ कर देते हैं और इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं ताकि केक को निकालने में बहुत ही आसानी हो। तो 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे अच्छी तरीके से चाकू से इस तरीके से किनारे से निकालते हैं और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी लगा नहीं है, कितनी आसानी से निकल रहा है। इसे अब हम एक प्लेट पर उल्टा पलट देंगे और अच्छी तरीके से टैप कर देंगे एक से दो बार ताकि जो किनारा है वो बेस जो है केक का वो अच्छी तरीके से प्लेट से निकल जाए। और आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरीके से बहुत ही स्मूथली निकल गया है। ये देखिए हमारा मैंगो केक जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार है, बस इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे ऊपर से। ये देखिए बिल्कुल रेडी है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और स्पॉन्जी बना है। ये देखिए मैं प्रेस करके दिखा रही हूँ इसको इस तरीके से और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप चाहे तो इसमें मैंगो का एसेंस भी मिला सकती हैं तो उससे मैंगो का और अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम चोको चिप्स इसके ऊपर से डाल रहे हैं और मैं आपको कट करके दिखाती हूँ किस तरीके से। ये देखिए कितना अच्छा केक का पीस हमारा कट होके निकला है और ये देखिए कितना ज़्यादा स्मूथ है और इसमें मॉइस्चर भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल खाने में ड्राई नहीं लगेगा। और अंदर से देखिए चोको चिप्स, आपका भी मन हो गया ना खाने का देख के। तो जल्दी से बनाइए, ये रेसिपी आप सभी के लिए ही है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल पर नया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हम मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।